हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती है इग्नियस रॉक्स की। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैग्मा क्या होता है। मैग्मा बेसिकली हमारा मोल्टन मटेरियल होता है अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जितना भी मोल्टन मटेरियल है उसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे रॉक्स जो बनते हैं मैग्मा के कूल होने से और सॉलिडिफिकेशन से, यानी सॉलिड बन जाने से, उन्हीं रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। इनका एग्जाम्पल ग्रेनाइट, बसाल्ट और काफ़ी अलग अलग रॉक्स हो सकते हैं। कंपोजिशन क्या है इनकी, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस, यानी कि आयरन, ये है कंपोजिशन। तो 40 से 75% वेट में ये सिलिकॉन ऑक्साइड हो सकता है, 10 से 20% एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, और बाकी जो पार्ट है वो कवर अप करेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस। अब फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है दो पार्ट्स में, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, ठीक है। फिर एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव भी दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्कॉर्डेंट एंड कॉनकॉर्डेंट। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक पार्ट में डाइक्स, रिंग डाइक, कोन शीट, और दूसरे पार्ट में बैथोलिथ, एथमोलिथ, हार्पोलिथ, कोनोलिथ आते हैं। और कॉनकॉर्डेंट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सिल्स, लैकोलिथ, लोपोलिथ और बिस्मिलिथ एक पार्ट में आते हैं और फैकोलिथ दूसरे पार्ट में आते हैं। इसमें हमारे सिर्फ डिस्कॉर्डेंट में एक ही पार्ट है, वॉल्केनिक नेक बस, और कॉनकॉर्डेंट, ठीक है। अब फॉर्म की बात करेंगे तो फॉर्म होता क्या है, शेप साइज ऑफ इग्नियस रॉक, उसी को हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूसिव बॉडीज की बात करते हैं। एक्सट्रूसिव बॉडी क्या होती है, व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑफ अर्थ सर्फेस, जब मैग्मा जो है अर्थ सर्फेस से बाहर आ जाता है तो हम उसे लावा बोलते हैं। और वो बॉडीज जो इस लावा के सॉलिडिफिकेशन से, इसके सॉलिड बन जाने से बनती हैं, उनको हम ई बी यानी कि एक्सट्रूसिव बॉडीज कहते हैं। और इंट्रूसिव बॉडी, जब ये जो मैग्मा होता है ये अर्थ के अंदर ही क्रिस्टलाइज कर जाता है या वहाँ पे सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम इंट्रूसिव बॉडीज कहते हैं। अब एक्सट्रूसिव बॉडीज में हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा था डिस्कॉर्डेंट आता है। तो डिस्कॉर्डेंट बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी विच कट थ्रू ओवरलाइंग स्ट्राटा और प्री एग्जिस्टिंग रॉक। सपोज ये ओवरलाइंग स्ट्राटा है और इसको कट करके कोई बॉडी बाहर को निकल रही है, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग, सॉरी डिस्कॉर्डेंट बॉडी, ठीक है। डाइक्स, तो इसके अंदर डाइक्स पढ़ा था हमने, वॉल लाइक इग्नियस बॉडी दैट कट थ्रू कंट्री रॉक। कंट्री रॉक क्या होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो रॉक पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम कंट्री रॉक बोलते हैं। तो ये वॉल लाइक इग्नियस बॉडी, देखो यहाँ पे इग्नियस बॉडी मतलब मैग्मा या मोल्टन मटेरियल, ठीक है। इग्नियस बॉडी है, ये वॉल की तरह है, दीवार की तरह है, जो कि कंट्री रॉक को कट करेगा, उसको बोलते हैं हम डाइक। तो ये डाइक का स्ट्रक्चर है। रिंग डाइक क्या होता है, अ डाइक दैट हैज अ सर्कुलर आउटक्रॉप, देखो एक ऐसी डाइक है जिसका सर्कुलर आउटक्रॉप है, उसको हम कहते हैं रिंग डाइक। कोन शीट क्या होती है, इनवर्ड डिपिंग डाइक, देखो ये डाइक जो है थ्री डायमेंशनल में सोचो, ये अंदर को डिप कर रही है, अंदर को जा रही है, और पर जो इसकी आउटक्रॉप है यानी कि जो यहाँ पे पत्थर होंगे ऊपर सरफेस के ऊपर, वो सर्कुलर होंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर होंगे, तो उन्हें हम कोन शीट्स कहते हैं इस टाइप की डाइक को, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैथोलिथ की तरफ। बैथोलिथ क्या होता है, लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडीज एक्सटेंडिंग टू अननोन डेप्थ, सबसे बड़ी इंट्रूसिव बॉडी। इंट्रूसिव बॉडी मतलब जो अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है, और ये अननोन डेप्थ तक जाती है, इन्हीं को बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है। और जो स्मॉल बैथोलिथ होते हैं, बैथोलिथ जो छोटे छोटे बैथोलिथ होते हैं उन्हें स्टॉक कहते हैं। और स्टॉक के बाद सर्कुलर आउटक्रॉप, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स जिनका आउटक्रॉप जो है सर्कुलर होता है उनको हम बॉसेस बोलते हैं। एथमोलिथ क्या होते हैं, फनल शेप्ड बॉडीज विद सर्कुलर आउटक्रॉप, देखो फनल शेप की बॉडीज होंगी, उनका आउटक्रॉप जो है सर्कुलर होगा, जो यानी कि सरफेस के ऊपर जो रॉक्स होंगे सर्कुलर होंगे, उनको हम एथमोलिथ बोलते हैं। हार्पोलिथ, सिकल शेप्ड बेसिक बॉडीज विद सर्कुलर आउटक्रॉप, ये सिकल शेप्ड की होंगी। सिकल शेप देखो कुछ ऐसा होता है आर्क टाइप का, तो वैसी जो बॉडीज होती हैं उनको हम हार्पोलिथ कहते हैं। कोनोलिथ कहते हैं इरेगुलर इंट्रूसिव बॉडी, ठीक है, इरेगुलर इंट्रूसिव बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, कोनोलिथ। अच्छा, कुछ इंट्रूसिव बॉडी होती हैं जो कि डीप सीटेड होती हैं और उनका शेप और साइज हम नज़र नहीं रखें तो प्लूटोन बोलते हैं। डीप सीटेड इंट्रूसिव बॉडी जो कुछ बॉडीज होती हैं जो हमें गहराई में मिलती हैं और उनका शेप और साइज कुछ वो रेगुलर नहीं होता है, उन्हीं को हम प्लूटोन कहते हैं। कॉनकॉर्डेंट बॉडी की बात करते हैं, ठीक है। कॉनकॉर्डेंट बॉडी लाई बिटवीन रॉक बेड्स एंड रन पैरेलल टू स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री रॉक, ठीक है। ऐसे बॉडी
ठीक है, जो इग्नियस कॉन्वेक्स बॉडी बेसिकली इग्नियस मास होता है या मैग्मा होता है जो हाँ रॉक बेड्स के बीच में होता है और उनके पैरेलल होता है। तो देखो यहाँ पे जो इग्नियस मास है वो रॉक दो रॉक बेड्स के बीच में, तो इसको हम कॉन्वेक्स बॉडी कह सकते हैं। इसमें हमारे सिल्स आता है, सिल्स क्या होते हैं, सीट लाई इग्नियस बॉडी विच रन पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। देखो ये बेडिंग प्लेन है और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का इग्नियस मास है इसके पैरेलल चल रहा है, तो इसी को हम सिल्स बोलेंगे। लैगोलिथ क्या होते हैं, लैंड शेप्ड इग्नियस बॉडी। देखो यहाँ पे ये लैंडस्केट की तरह ये इग्नियस बॉडी जो शेडेड पोर्शन है जो जो उसके ऊपर जो बेड है उसको आर के शेप में मोड़ देगा और एक डोम बनाएगा, डोम शेप बनाएगा, उसी को हम लैगोलिथ कहते हैं। ठीक है, डोम जैसे ताजमहल के ऊपर होता है ना जो गुंबद बोलते हैं हम हिंदी में, उसी को डोम शेप कहते हैं। लोगोलिथ क्या होता है, इसमें सॉसर शेप हो गई, देखो ये चम्मच की तरह है, ये जो जो हमारी चाय पीने वाली प्लेट होती है उसको सॉसर कहते हैं हम। तो उस टाइप का वो शेप है जो कि डाउन नीचे की तरफ दबा हुआ है, ठीक है, बेसिन लाइक शेप में, और तो उसको कहते हैं हम लोपोलिथ। बिस्मेलिथ क्या होता है, देखो सर कुछ टाइम के सब कभी कभी क्या होता है जो मैग्मा है वो सरफेस को तोड़ के बाहर आ जाता है और वहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है यानी जम जाता है, उसी को हम बिस्मेलिथ कहते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप था फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, क्रीसेंट शेप इग्नियस बॉडी अकरिंग एट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ फोल्ड। देखो ये फोल्ड है यहाँ पे क्रीसेंट शेप के, ठीक है, ये शेप हमारी क्रीसेंट शेप होती है। ठीक है, हम क्रीसेंट शेप इग्नियस मास जो है इसी को हम फैगोलिथ कहते हैं। ये देखो शेडेड पोर्शन से दिखाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब एक्सट्रूसिव की बात करेंगे, एक्सट्रूसिव में हमारे दो कॉनकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट होते हैं और इसके डिस्कॉर्डेंट में वॉल्केनिक रहे। तो कॉनकॉर्डेंट वो होता है एक्सट्रूसिव में हमारा लावा फ्लोज एंड पायरोक्लास्टिक्स विच आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। जो लावा से जो वॉल्केनो से मटेरियल बाहर आता है उसको हम पायरोक्लास कहते हैं। तो ऐसे लावा फ्लोज या पायरोक्लास जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के प्रोडक्ट हैं उन्हीं को हम कॉनकॉर्डेंट कहते हैं, और डिस्कॉर्डेंट में हम वॉल्केनिक नेक पढ़ेंगे। देखो मास ऑफ इग्नियस रॉक प्रोड्यूस्ड बाय कंसोलिडेशन ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटीरियल इन चैनल ऑफ इरप्शन ऑफ एक्सटर्नल। देखो सपोज एक्सटर्नल बैरियर है, इसका जो रास्ते में जो मास ऑफ इग्नियस रॉक जो बाहर आया और यहाँ पे जम गया उसी को हम वॉल्केनिक नेक कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।